पुलिस ने मिर्जा चौकी में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में गन बनने वाले औजार का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बात की जानकारी एसपी अनुरंजन के स्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। साथ ही बताया कि मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कोहबारा गांव में पिछले कुछ दिनों से अवैध हथियार बनाने का मिनी फैक्ट्री पतरास किस्कू के घर में संचालित हो रही थी, जिसकी गुप्त सूचना मिर्जा चौकी थाना प्रभारी प्रकाश रंजन को मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर सूचना के सत्यापन के लिए कोहबरा में छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने वाले औजार के जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें पुलिस ने पतरास किस्कू, मोनू कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार शाह और गुड्डू पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार लोगों ने स्वीकार किया कि ये फैक्ट्री उनके द्वारा संचालित थी, जिसने गन बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बेचा करती थी। कल बीते रात्रि मिर्जा चौकी थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पे अवैध तरीके से अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन पर इनके द्वारा अपनी टीम गठित की गई और पतरस किस्कू के घर पर छापामारी की गई, और छापामारी के क्रम पर उनके घर से करीब 46 आइटम बरामद हुए हैं, जिसमें हथियार बनाने की सामग्री सम्मिलित थी तथा एक कट्टा जो पूर्ण निर्मित है और एक पिस्टल अर्धनिर्मित, बाकी अन्य अर्धनिर्मित सामानों की सूची है जो बरामद की गई तथा वहां पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पतरस किस्कू जो मकान मालिक है, मोनू कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार शाह और गुड्डू पंडित, इन चार लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस तरह के अवैध हथियार का निर्माण कर रहे थे। इस तरह इस टीम ने बहुत ही बेहतर काम किया और एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। धन्यवाद सर। कितने दिनों से ये कारोबार चल रहा था? अभी जस्ट शुरू हुआ था, जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें विगत एक सप्ताह की बात इन्होंने स्वीकार किया है और इसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि उसको मकान कब लिया गया था, कहाँ के लोग थे। इन आरोपियों का सर आगे का योजना क्या था? हथियार बना के बेचना ही इनकी मुख्य योजना है। इसमें गुड्डू पंडित, वीरेंद्र शाह जो स्थानीय है, मोनू शर्मा, ये सभी सर हथियार जो बेचते थे तो कहाँ बेचते थे? इन लोगों ने बताया है, उस पर हम लोग दबिश दे रहे हैं और उसे बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इनके कथनानुसार, इनके जो प्रारंभिक स्वीकृति बयान है उसके अनुसार, इन्होंने 5 सामान देने की बात, हथियार देने की बात बताई है। हम उन्हें सत्यापित कर रहे हैं और छापामारी भी लगातार कर रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।